हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 40% के करीब कॉन्स्टेंट से और प्लेज होल्डिंग जीरो है, यानी कि यह कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये कंपनी में कोई भी शेयर होल्डिंग प्लेज नहीं किया गया है और यहाँ पर FII का भी काफ़ी अच्छा स्टेक्स है और म्यूचुअल फंड का भी स्टेक है। दोस्तों, जो अदर्स इन्वेस्टर्स है वो ओनली 8% है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो इसमें जो इंटरेस्ट इनकम होती है, जो मेन इनकम होती है, ऐसी कंपनी में यह हुआ है 4,956 करोड़ रुपीज़ कंपेयर टू 4,144 करोड़ रुपीज़ ऑफ सितंबर 2008 क्वार्टर और 4,786 ऑफ जून क्वार्टर। दोस्तों, दोनों क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये अभी हुआ है और काफ़ी अच्छा इनकम हुआ है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 767 करोड़ रुपीज़ हुआ है, वो था 562 करोड़ रुपीज़, यानी कि जो प्रॉफिट है उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। हालांकि पास्ट में 6 मंथ्स 1 ईयर से काफ़ी सारे इश्यूज है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के, इसके बावजूद भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड। दोस्तों, यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें तो ये अभी 385 रुपीज़ है, इसका 52 वीक लो हाई है 354 रुपीज़ एंड हाई है 586 रुपीज़, यानी कि ये 52 वीक लो के नज़दीक चल रहा है। यहाँ पे अगर 2001 से लेके देखें तो ये शेयर का प्राइस एक अपट्रेंड में ही रहा है अप टू 2017 मिड तक, ये नियरली 1,000 रुपीज़ आके आया है, उसके बाद एक डाउनफॉल चल रहा है। दोस्तों, ये डाउनफॉल सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में है, काफ़ी सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में इश्यू है, जैसे DHFL और L&T फाइनेंस होल्डिंग और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, उसकी वजह से ये काफ़ी सारे नेगेटिव प्रेशर की वजह से डाउन हुआ है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, काफ़ी जानी मानी कंपनी है, तो सस्टेन तो करेगी ही, लेकिन इसका फ्यूचर में जब भी अप ट्रेंड आता है तब ग्रोथ करने का भी स्कोप है और इसका प्रॉफिटेबिलिटी अभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूसली 2002 से लेकर 19 तक का ट्रैक रिकॉर्ड हमने दिखाया है। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दिया है, 7.6 रुपीज़ लास्ट डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों, ये एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, 52 वीक लो पे चल रहा है, सेक्टर में काफ़ी इश्यूज है, लेकिन सेक्टर जब भी रिवाइव होगा आफ्टर 1 or 2 ईयर्स तो इसका ग्रोथ होने का भी इतना ही उम्मीद है। दोस्तों, ये एक लो रिस्क लो रिटर्न कंपनी है, मीडियम रिटर्न कंपनी है, क्योंकि इतना हाई रिटर्न तो नहीं मिल सकता दूसरी कंपनी जितना, लेकिन इसमें डाउनसाइड रिस्क भी बहुत ही कम है। तो दोस्तों, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है फॉर मॉडरेट इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर 15-20% रिटर्न। दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, कॉमेंट and share. Thank you very much and happy investing.